जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है, उस पर गौर करेंगे हम। वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, जिन भी लोगों से मिलते थे, उनकी जिंदगियों में आशीषें उंडेलते चलते थे, चमत्कार होते चलते थे, चंगाई होते चलते थे, जो कोई भी मिलता था और वो उसको स्वर्गीय खजाने बांटते हुए चलते थे। ऐसे ही हमने देखा बाद में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके शागिर्दों ने भी वही आशीष पाई, और वो भी प्रभु की सामर्थ से, अपनी सामर्थ योग्यता से नहीं पर प्रभु की सामर्थ से बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में आशीष का कारण हुए। क्या आप और मैं भी वैसे ही आशीष के कारण हो सकते हैं लोगों की ज़िंदगी में? वचन कहता है हाँ, लेकिन कैसे? अगर आप सोचते हैं कि मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई योग्यता नहीं या क्वालिफिकेशन नहीं, या मुझे बहुत प्रार्थना करना नहीं आता है, मुझे बहुत वचन का ज्ञान नहीं है, मेरी भाषा अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, यानी अपनी लिमिटेशंस को, या मैं बहुत बिजी हूँ, हम वो सोचते हैं। लेकिन वचन आपसे मुझसे क्या चाहता है, वचन में से देखेंगे। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी मरकुस 9 अध्याय और उसका 41वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। क्या बात कही है? एक कटोरा पानी पिलाने की बात कही है। और ये ऐसी बात, इतनी सरल बात है कि हम कह नहीं सकते कि हम ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी, हवा, जिंदगी, सांसें, जैसे हमने पिछले वचन में देखा, सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति की हर चीज़, बारिश, ओस, फल, पशु पक्षी, समुद्र के जंतु, सब प्रभु ने बना के आपको और मुझे मुफ्त में यूं ही दिए हुए हैं। वैसे ही जल भी परमेश्वर ने दिया हुआ है, और उतना तो हम कर सकते हैं कि किसी को हम एक कटोरा, एक गिलास हम पानी पिलाएं। वचन कह रहा है, वो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोओगे। कितनी बड़ी बात। और आगे जाके हम देखते हैं यीशु मसीह ने इसको दृष्टांत के ज़रिए भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है सभी लोगों को, कि उसने कहा कि जो कुछ तुम इन छोटों में से छोटों के साथ करते हो, वो समझो मेरे साथ करते हो। क्या? कि यदि मुझे बंदी गृह में देखा, मुझसे मिलने आए, मुझे भूखा देखा, मुझे भोजन दिया, मुझे प्यासा देखा, पानी पिलाई, मुझे ठंड में बिना वस्त्र के देखा तो वस्त्र दिए, तो हम कहेंगे कब प्रभु, हमने कब आपको देखा? या अगर हमने नहीं दिए और प्रभु कहे मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, हम कहेंगे कब प्रभु आप, मैंने नहीं देखा, मैं देखता तो अवश्य ये करता वो करता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, उसके शब्द हैं, कि जो कुछ तुम इन छोटों में किसी एक के साथ करते हो, वो मेरे ही साथ करते हो। परमेश्वर का प्यार ऐसा है। तो यानी कि प्रभु आज चाहता है आपसे और मुझसे कि प्रतिदिन हम इतना तो कर सकते हैं, और कई बार हम नहीं जानते कि हमारा वो छोटा सा कार्य किसी की ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। कितनी सारी गवाहियाँ हमारे सामने हैं जिसमें लोग सुसाइड करने की थॉट सोच रहे हैं, या घर से भागने की सोच रहे हैं, या रिश्ते तोड़ने की सोच रहे हैं, यानी बहुत ही शैतानी उलझनों में, पापों में पड़े हैं। उस समय आपका छोटा सा इनकरेजमेंट, आपकी मुलाकात, आपकी प्रार्थना, आपका इनकरेजमेंट, आपका प्रेम और वचन सुनाना और प्रार्थना करना इतना बड़ा कार्य कर सकता है, क्योंकि प्रभु आपके साथ होगा। हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं, लोगों के जीवन बदल सकते हैं। इतना तो करें। और आज प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि प्रतिदिन कुछ तो हम ऐसा करें कि दूसरे की ज़िंदगी में आनंद हो और आशीष हो, और वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता चला जाए। और परमेश्वर आज हमसे यही कहता है कि यदि तू इतना सा भी कार्य करेगा पानी पिलाने जैसा, तो भी मैं सच कहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह की बात है, जिस बात पे ज़्यादा बल देना चाहते थे वो कहते थे मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। वही मसीह आपसे कहता है, आप अपना नाम लेके कहें, अपने नाम से कहें कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हमारा छोटा सा बात, हमारा छोटा सा सहायता, चाहे वो एक रोटी खिलाना हो, चाहे वो बीमारी के लिए प्रार्थना करना हो, चाहे उसको आशीष की बात बोलना है, चाहे उसको आनंद की बात बोलना है, चाहे उसे निराशा में से निकालना है, जब हम प्रभु से सहायता मांगते हैं, उसकी अगुवाई से करते हैं, तो
ऐसी आशीष फिर परमेश्वर देता है कि उन सब की जिंदगियों में भी प्रभु का कार्य होने लगता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष पाएँ, बहुतायत से पाएँ, वो स्वर्गीय वरदान पाएँ, और वो जब पा लें तो उसको अपने तक ना रखें। उस प्यार को, उस मसीह के स्वभाव को, कितना प्रेम से भरा हुआ यीशु मसीह का हृदय है कि जिस किसी को देखता है वो उसके लिए तरस से, प्रेम से भरा हुआ सहायता करने निकल पड़ता था। सब यीशु मसीह की ज़िंदगी, अगर आप और हम उस मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो प्रभु चाहता है कि आज हम अपनी बातों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने कार्य से, या जो कोई भी बोझ प्रभु का आत्मा आपको देता है उससे मनुष्यों की सहायता करें। इसको इस तरीके से ना लें कि आप यह समझने लगे हमेशा सिर्फ आर्थिक सहायता की बात, क्योंकि जिसको आप बार बार मांगे और बार बार दे, बार बार दे, वो नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है हम स्वयं काबिल बन जाए और दूसरों को भी काबिल बनने की राह पर आगे बढ़ाएं। प्रभु चाहता है, और प्रभु नहीं चाहता किसी को कमी में देखना, दरिद्रता में चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो जो उस प्रकार से मांगते हैं, सिर्फ बार 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 धन मांगे और आप सिर्फ देते रहें, वो नहीं। प्रभु चाहता है प्रबलता से वो भी जो मांग रहा है वो भी उस स्तर पर खड़ा हो जाए कि जो वचन कहता है कि तुझे आज से मांगना ना पड़े पर तू देने वाला बने। वो आशीष प्रभु हम में से हर एक को दे। हम एक दूसरे को ऐसा इनकरेज करें, एक दूसरे को ऐसा इनकरेज करें कि हम आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, दुनियावी रीति से, आर्थिक रीति से, संपन्नता से, हर प्रकार से वचन जो कहता है वो हर भली वस्तु जो हमें देना चाहता है वो आशीष सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। और हम उसमें इतना सा भी अगर योगदान देते हैं तो हम, मसीह कहता है उसका वायदा, अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएंगे और मसीह के प्यार में आगे बढ़ते चले जाएं। आज का वचन हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।